नवमी के दिन सोहा अली खान और कुणाल खेमू के घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया था। कपल ने जिसका नाम इनाया नौमी खेमू रखा है। इस बात की जानकारी खुद पापा बने एक्टर ने दी थी। आज यानी 2 अक्टूबर के दिन सोहा को ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसके बाद हैप्पी पेरेंट्स अपनी लाडली के साथ नजर आए। बेटी को हाथ में लिए कुणाल दिखाई दिए, लेकिन इनमें आपको उसका चेहरा नहीं दिखेगा क्योंकि उसे पापा ने अपनी बाहों में अच्छी तरह से रैप करके पकड़ा हुआ था। सोहा कैमरे को देखकर मुस्कुरा रही थी और डिलीवरी के बाद फिट नजर आ रही हैं। कल ही एक्टर ने ट्विटर पर बेटी के नाम की घोषणा की थी। कुणाल खेमू ने ट्विटर पर लिखा था, हमने अपनी बेटी का नाम इनाया नौमी खेमू रखा है। छोटी सी इनाया खुश और हेल्दी है और उसने आप सभी को आपकी दुआओं और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहा है। बेटी के जन्म की खबर शेयर करते हुए कुणाल ने लिखा था, हम इस बात को शेयर करते हुए बहुत खुश हैं कि इस पावन दिन के मौके पर हमारे घर एक खूबसूरत बेटी आई है। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। बेटी के जन्म से पहले सोहा ने बताया था कि कैसे करीना उनके लिए मदद और गाइडेंस का स्रोत रही हैं। उन्होंने कहा था, करीना बहुत मददगार रही हैं। वो हाल ही में इन सब से गुजरी है, इसलिए मैं उससे नियमित तौर पर ढेर सारे सवाल पूछा करती थी। मुझे क्या खाना चाहिए, किस चीज की इजाजत है, किसकी नहीं है। कुणाल खेमू ने बॉलीवुड लाइफ से कहा था, मुझे नहीं पता कि हमारा बेटा होगा या बेटी, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी के लिए हमने न्यूट्रल रंगों को नर्सरी के लिए चुना है, तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। मैंने स्लिंग बेबी बैग भी खरीद लिया है। सोहा अली खान और कुणाल खेमू ने पेरिस में जुलाई 2014 को सगाई की थी। इसके बाद जनवरी 2015 को दोनों ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में रजिस्टर्ड शादी की थी। इनाया कपल की पहली संतान है।